अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तकीर। आप देख रहे हैं छपर एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। जी माशाल्लाह, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये अमरूद के बूटे लगे हुए हैं और छोटे छोटे अमरूद भी पड़े हुए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा छोटे। माशाल्लाह ये व्यू चेक करें। बारिश की वजह से काफ़ी सर्दी कम हो गई है, धुंध चुन तकरीबन ख़त्म हो गई है। ये पानी सुवां का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कोरोना की वजह से आजकल मतलब बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो इसीलिए लिहाजा मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें और उबला हुआ पानी पिएं, तो इससे अच्छी बात है, क्योंकि जितनी हम खुद की सेफ्टी कर सकते हैं इतना हमारे लिए अच्छी बात है। और कोशिश करें कि वैक्सीन कोरोना की जो है वो लगवा लें, क्योंकि कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, पांचवीं लहर आ गई है। बात ये कि आजकल मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ग्राउंड में कम ही जाते हैं, मतलब खेलने खेलते चलते कम ही हैं। तो कोशिश करें शाम के 1-2 घंटे बंदा ग्राउंड में चला जाए या कोई एक्सरसाइज कर ले, इससे इंसान की फिटनेस ठीक रहती है। क्योंकि मोबाइल ज़्यादा होने की वजह से मतलब कि कोई बाहर निकलता ही नहीं है घरों से, और जो टाइम होता है वो मोबाइल पे। मोबाइल की वजह से एक तो इंसान का जिस्म भी मोटा हो जाता है, मतलब कि कैलोरी का शिकार हो जाता है। तो सुबह इंसान को नींद भी सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। जो बंदा फर्ज करें आप 4 बजे उठे, सुबह 4 बजे उठकर कुरान पाक पढ़े, तो इससे और हमें फ़ायदा होगा, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो नेकी और सवाब का भी काम है। नमाज़ 5 वक्त ही हमें पढ़नी चाहिए। नमाज की आदत अपनाने से हमें क़यामत आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी और इधर भी। जी मैं आज छोटा सा ही बस ब्लॉग था, मैंने कहा कुछ ब्लॉग शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।